अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम दिया गया है एग्रीकॉन 2018 और एग्री एक्सपो 2018 में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री राम नायक जी, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कुलपति डॉक्टर सुशील सोलोमन जी, मंच पर आसीन अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आज महान शिवरात्रि का पर्व है। इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के अवसर पर उपस्थित होना हर किसी के लिए प्रसन्नता एक स्वाभाविक क्षण होता है, क्योंकि जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा, बात सच है, कानपुर मेरा घर भी है, गृह जनपद भी है और इसीलिए जब ये पहले यूनिवर्सिटी जब इसको स्टेटस मिला उसके पहले कॉलेज था एग्रीकल्चर कॉलेज और उस समय इसका प्रसिद्ध नाम मुझे पता नहीं, अब इस समय लोग क्या कहते हैं, पत्थर कॉलेज कहा जाता है। जब मैं भी यहां था तो मैंने भी कभी कभी पूछा कि इसको क्यों कहते हैं पत्थर कॉलेज, में पत्थर की पढ़ाई तो होती नहीं यहां पर, क्यों कहा जाता है? तो बताया गया सब अंग्रेजों के समय से इस विद्यालय का, आपने देखा होगा जो मुख्य भवन है उसमें पत्थर से निर्मित हुआ है और सब होता है, इसीलिए उसका नाम जो है वो पत्थर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स जिसके की अध्यक्ष हमारे डॉक्टर ए के सिंह जी हैं, दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सरकारा संस्थान तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आदि ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इससे एक जो थीम बनती है कि संस्थान एक लेकिन उद्देश्य एक है, ये थीम रिफ्लेक्ट करती है और उसकी जो महत्ता होती है वो भी इसी बात से प्रमाणित होती है। इस आयोजन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि यहाँ देश विदेश से आए वैज्ञानिक छोटी जोत के किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के साथ साथ खेती बाड़ी से जुड़े कई गंभीर विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, सुझाव देंगे, समस्याओं के समाधान ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले एलुमनाई में पद्म भूषण डॉक्टर आर वी सिंह, डॉक्टर अख्तर हुसैन, डॉक्टर आर एस द्विवेदी तथा कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने इस पत्र कॉलेज का नाम देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। इस अवसर पर उपस्थित होना मेरे लिए सचमुच खुशी की बात है, क्योंकि ये संस्थान कानपुर में स्थित है जिसे गंगा नदी पर बसे प्राचीन शहरों में से एक शहर होने का गौरव प्राप्त है। ये कानपुर जनपद मेरी जन्मभूमि है, यहीं से मैंने अपनी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की, यहाँ की यादें मेरे मन में आज भी ताजा हैं और इसीलिए मुझे इस कॉलेज का, पहले तो कभी एक वो स्थिति थी, कभी कभी हम पैदल भी आते थे, कहाँ से एसडी कॉलेज हो या बीएनएसडी कॉलेज, कभी कभी इधर से गुजरते थे और इसके बीच से अंदर से रास्ता है वो शायद रावतपुर से होकर के गुजरता है। इसको हम लोग कहते थे शॉर्टकट,
इस शहर ने साहित्य विज्ञान पत्रकारिता और चिंतन की धाराओं को नई दिशा दी। ये शहर आजादी की लड़ाई का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के गांव और गलियां 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नाना साहब तात्या टोपे और उनके साथियों की बहादुरी के गवाह हैं। मानवता के संपूर्ण इतिहास में मानव विकास और संस्कृति के लिए समुचित खाद्य उत्पादन की व्यवस्था करना सदैव एक चुनौती रही है। प्राणी मात्र के लिए भोजन जुटाने की एक बड़ी जिम्मेदारी आज भी कृषि वैज्ञानिकों के सामने मौजूद है। हालांकि आजादी के बाद हमारे कृषि उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है, फिर भी भूख, कुपोषण और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना आवश्यक है। भारत सरकार की कृषि नीति में किसानों के लिए उत्पादक तथा लाभकारी ऑन फार्म और नॉन फार्म रोजगार सृजित करने पर बल दिया जा रहा है। आज देश में कृषि विकास हेतु बड़ी संख्या में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, खेती में इनोवेशन, मौजूदा संस्थाओं में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार, अनुसंधान, किसानों को बेहतर परामर्श एवं वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल का विकास किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि किसान ही भारतीय जीवन का केंद्र बिंदु है। किसान हम सबके अन्नदाता हैं और राष्ट्र निर्माता भी। उनकी उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करना ही देश की सच्ची सेवा। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत देश में गंगा का अविरल प्रवाह और निर्मल धारा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हुए कृषि विकास को बल दिया जा रहा है। हमारे देश में लगभग 60% खेती आज भी वर्षा पर आधारित है और लगभग 13 राज्यों को किसी न किसी वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कम पानी से पैदा होने वाली फसलों और पानी का सही इस्तेमाल करने के बारे में किसानों को जागरूक बनाना है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा के करनाल जिले में किसानों के एक समूह ने वैज्ञानिकों की मदद से फसल के अवशेषों से खाद बनाना आरंभ कर दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली द्वारा विकसित आम्रपाली एवं मल्लिका नामक आम की हाइब्रिड प्रजातियों से उड़ीसा एवं झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों के किसानों की आय बढ़ाने में सफलता मिली। भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग क्षेत्रों के किसानों की समस्याएं अलग अलग हैं। हमें उनकी जरूरत के अनुसार अलग अलग समाधान भी खोजने होंगे। भारत सरकार ने पर ड्राफ्ट मोर ड्राफ्ट का संदेश दिया है और इस संदेश को देश के हर किसान भाई बहनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। कृषि विकास हेतु इंद्रधनुष क्रांति देश के किसानों के लाभ की एक नई पहल है। अनाज, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, रेशम कीट पालन को कृषि के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही किसान को उसकी उपज की उचित कीमत दिलाने में मार्केटिंग एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग की भूमिका को प्रोत्साहन दिए जाने की भी जरूरत है। सम्मेलन के साथ ही एग्री एक्सपो का आयोजन भी किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग करके उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि इस कार्य में किसान की भी हिस्सेदारी। अनेक मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर भी बनाए जा सकते हैं जहाँ छोटे किसान कम मात्रा में भी अपना उत्पाद सीधे फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को दे सकें। यहाँ ऐसी सुविधाएं जुटाई जाए जहाँ किसान अपनी पैदावार का वैल्यू एडिशन करना भी सीखे। महिलाओं के स्वयं सेवी समूह बनाकर उन्हें इस प्रकार के काम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। हम सबने देखा होगा कि महिलाओं ने अपने कुशल प्रबंधन से निजी पापड़ को एक ब्रांड बना दिया। ऐसे प्रयासों से कमाने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी और किसान परिवारों का भी विकास होगा। एक बहुत बड़ा क्षेत्र और भी है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
वह क्षेत्र है पारंपरिक पौष्टिक भोजन का। स्थानीय जलवायु के अनुकूल किफायती दाम पर मिलने वाला पारंपरिक भोजन हमारी थाली से लगभग गायब होता जा रहा है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का एक बड़ा कारण यह भी है कि मौसमी और स्थानीय तौर पर सहज उपलब्ध खाद्य पदार्थों को छोड़कर आयातित और महंगे खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। मोटे अनाज का सेवन दिनों दिन कम होता जा रहा है। पारंपरिक पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देकर ब्रांडिंग करके तथा तैयार भोजन को सही मूल्य पर बेचकर हम एक ओर तो घरेलू महिलाओं की आमदनी बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। यह याद रखना चाहिए कि जब किसान का उत्पाद देश के बाहर जाता है तो उसके साथ भारत का नाम जुड़ा होता है, इसलिए गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वही उत्पाद टिकाऊ हो सिद्ध होगा जिसमें गुणवत्ता का ख्याल रखा गया हो और उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर लोगों का विश्वास बन चुका हो। भारत से बाहर अपने उत्पाद भेज पाने के लिए हमें विश्व स्तर की गुणवत्ता कायम करनी होगी। भारत दुनिया के अनेक देशों को बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का निर्यात भी करता है। विदेश व्यापार में खाद्य पदार्थों का हिस्सा लगभग 11% का है। वर्ष 2025 तक यह व्यापार 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भारत सरकार ने तय किया है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कार्यरत हर उद्यमी के लिए बेहतर होगा कि वे फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात FSSAI के मानकों और दुनिया की दूसरी संस्थाओं के मानकों के अनुरूप अपने उत्पाद पैदा करने का संकल्प लें। आज के समय में उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय ने भी किया है, जय जवान जय किसान का संदेश आज की तारीख में पहले से और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। जहां आज हमारे जवान सरहदों का चौकसी रखते हुए देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवादियों से निरंतर लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, वहीं देश के किसान भी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। आज सरकार जवानों और किसानों को सशक्त करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। किसानों की आय को लगातार बढ़ाने के लिए जहां सरकार ने बेहतर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, कृषि निवेश में बढ़ोतरी, मृदा परीक्षण के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के रूप में पहल की है, वहीं आप लोगों से मेरी यह अपेक्षा है कि छोटी जोत के किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि के विविधीकरण के लिए इस सम्मेलन और प्रदर्शनी के माध्यम से गंभीर चिंतन करके नए रास्ते तलाश करें। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ उद्यमी और किसान भाई पारंपरिक रूप से कृषि से संबंधित समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। आपसी सामंजस्य और सहयोग से कठिन व असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अंत में सम्मेलन और प्रदर्शनी की सफलता के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।